नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुथूट फाइनेंस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में जिस हिसाब से लास्ट काफी दिन से कंसोलिडेशन फेज में है, क्या स्टॉक में इस लेवल पे बाइंग किया जा सकता है? क्या इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है? क्या इसमें शॉर्ट टर्म में कुछ टारगेट देखने को मिल सकता है? कंप्लीटली इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सकता है, जो कि एक अच्छा सा क्वालिटी स्टॉक एक सही लेवल पे बाइंग करेंगे, कैसे किस लेवल पे बाइंग करके चलेंगे और कौन से टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, सारे चीज सीख के समझ के करना है फ्रेंड्स। अगर हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, किसी भी स्टॉक में हम एनालिसिस करते हैं तो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस के बारे में, तो कंपनी देखिए बिल्कुल यहाँ पे कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल को अगर हम समझेंगे, ये एक बिजनेस, ये यहाँ पे ये कई एनबीएफसी कंपनी है, ये कंपनी गोल्ड लोन प्रोवाइडिंग करता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप एक लार्ज कैप कंपनी है, 41,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक का पी अभी 12 पे चल रहा है। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर के पास में जो होल्डिंग है एक बेहतरीन होल्डिंग है, 73% का तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। उसके साथ में प्रमोटर प्लेस भी जीरो देखने को मिलता है। उसी के साथ में कंपनी एक बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 2.13% का तो डिविडेंड यील्ड है, जो कि मतलब ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो 20 रुपये का डिविडेंड एक साल में मिल जाता है। तो यहाँ पे इसी के साथ में अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे काफी एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है। अगर 1700 रुपये से देखेंगे, 1700 रुपये से अभी 1000 रुपये के पास में ट्रेडिंग हो रहा है, एक बहुत बड़ा करेक्शन भी देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को स्टडी करेंगे तो देखिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे मार्च के क्वार्टर में 2853 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। उसी के साथ में पिछले मार्च में अगर हम बात करेंगे तो 2670 करोड़ का देखने को मिला था। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे यहाँ पे 2670 करोड़ से 2853 करोड़ हो चुका है। उसी के साथ में अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो 960 करोड़ से 903 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन रहा है। अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे डिक्लाइन रहा है, जो कि 960 से यहाँ पे 903 हो चुका है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैट रहा है। उसी के साथ में लास्ट चार क्वार्टर में अगर हम देखते हैं तो 3474 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। उसी के साथ में अगर हम सेल्स के बारे में बात करेंगे, 10,515 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला है। तो उसी के साथ में सेल्स एक बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोइंग हो रहा है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का यहाँ पे इस चीज़ का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कंपनी के पास में रिजर्व जो है 20,600 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है। और बोरोइंग के बारे में अगर बात करेंगे, 49,734 करोड़ का कंपनी के पास में बोरोइंग देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग के बारे में तो प्रमोटर के पास में 73.35% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, एफआई के पास में 9.3% का होल्डिंग है और डीआई के पास में 12.6% का होल्डिंग है। अगर हम रिटेल पब्लिक के बारे में बात करेंगे तो अराउंड 4% का तो रिटेल पब्लिक के पास में देखने को मिल रहा है। देखिए इतना अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होल्डिंग है, लेकिन रिटेल पब्लिक के पास में कितना है, ओनली 4.61% का रिटेल पब्लिक के पास में होल्डिंग है। उसी के साथ में अगर हम स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे, बिल्कुल स्टॉक एक चार्ट पैटर्न है, बिल्कुल अप ट्रेंड का चार्ट पैटर्न है, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है मार्केट में काफी दिन तक यहाँ पे गिरावट लगा रहता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2013 में 227 रुपये का स्टॉक था, तो उसी के बाद में देखिए स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे 86 तक आ चुका था। उसके बाद में अगर आप देखेंगे काफी दिन तक यहाँ पे 2014 से लेके 2016 तक स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 साल तक स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा, लेकिन यहाँ से जब कंसोलिडेशन फेज से जब निकला स्टॉक में देखिए 180 रुपये का स्टॉक यहाँ पे 500 रुपये तक यहाँ पे एक रैली दे दिया। तो ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट में, कभी कभी ऐसा कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिलता है। अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक में ऐसे ही 2021 नवंबर से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में बिल्कुल एक बहुत बड़ा 1.5 साल हो गया स्टॉक में कंसोलिडेशन है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि ये स्टॉक में ओनली है, जो भी काफी सारे कंपनी अगर देखेंगे मार्केट में जब से करेक्शन हुआ है, जो कि नवंबर 2021 में, तब से काफी सारे स्टॉक अभी नीचे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी में ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज क्या समझ में आ रहा है तो वो चीज मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा। अगर हम आज के दिन के कारोबार के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 7,12,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, और डिलीवरी के बारे में अगर बात करेंगे तो 3,40,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाई है, जो कि 48% का डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे यहाँ पे चार्ट पैटर्न में आ जाते हैं, तो चार्ट पैटर्न में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हुआ क्या है इस चीज के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में एक सही ढंग से बेस भी बनाया, स्टॉक में जब गिरावट हुआ, जब यहाँ पे लाइफ टाइम हाई से स्टॉक में गिरावट हुआ, उसके बाद में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ने एक बेस बनाया। अगर आप देखेंगे तो इस चीज का एक बहुत बढ़िया सा बेस बनाया था, लेकिन उसके साथ में हुआ क्या है, मार्केट में जब गिरावट हुआ
तो ये जो लेवल है ना, काफी सारे स्टॉक में ये लेवल को तोड़ा है, तो यहाँ पे इस लेवल को तोड़ा, लेकिन एक हफ्ते तक यहाँ पे नीचे रहा, उसके बाद में स्टॉक में बिल्कुल एक रैली आ चुका है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो बॉटम लेवल था, बॉटम लेवल को यहाँ पे क्रॉस करके स्टॉक ने एक बार यहाँ पे बॉटम बना चुका है। मतलब यहाँ से एक बार जो बॉटम था, बॉटम को यहाँ पे एक अप ट्रेंड की चार्ट पैटर्न में ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, अगर हम देखेंगे लास्ट 2 दिन में मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है, उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में जैसे करेक्शन हुआ, तो यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में 200 दिन का मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में इतना बड़ा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज को सीख के समझ के करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मुझे यहाँ तक नजर आ रहा है कि स्टॉक में और गिरावट नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार जरूर यहाँ पे इस लेवल पे बटम बना सकता है, जो कि 1000 के लेवल पे स्टॉक आके सपोर्ट लगा सकता है, ठीक है। सपोर्ट लगाने के बाद में फिर से स्टॉक में रैली आ सकता है, क्योंकि देखिए किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए एक सही लेवल पे बाइंग करना बहुत जरूरी है। हमेशा मैं क्या करता हूँ, अच्छे क्वालिटी स्टॉक को एक सही लेवल पे बाइंग करता हूँ, अपने टारगेट तक लेके चलता हूँ। यही सारे चीज़ मैं अपना ग्रुप में भी यही यहाँ पे बताता रहता हूँ, जो कि अच्छे क्वालिटी स्टॉक को सही जगह में बाई करना और अपने टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग करना। जब टारगेट मिल जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में बिल्कुल सोचना है। अगर आप सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, फिर से स्टॉक कंसोलिडेशन में चला जाएगा, फिर से आप फंस के रह सकते हैं। और सही लेवल भी बाइंग करना बहुत जरूरी है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने बताया था, वहाँ पे 2430 के पास में, 2430 के पास में बाइंग करना था। तो यहाँ पे SBI के बारे में तो यहाँ पे भी बताया था। तो ये सारी चीज़ अगर सीख के समझ के करेंगे ना, मार्केट में पक्का पैसा बनता है। तो इसीलिए अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे कनेक्ट में आ सकते हैं। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टारगेट क्या हो सकता है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि स्टॉक में एक बहुत बड़ा रैली की तरफ जा सकता है, क्योंकि मार्केट में जितना दिन से कंसोलिडेशन हुआ है ना, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैली दिखा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे और एक चीज़ भी पैटर्न नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जब मूविंग एवरेज को यहाँ पे मैं हाइड कर लेता हूँ, तो एक चीज़ जरूर बिल्कुल यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक स्टॉक में एक लेफ्ट साइड का यहाँ पे शोल्डर बन चुका है, उसके साथ में एक बहुत बड़ा यहाँ पे रिवर्स हेड बन रहा है। तो उसके बाद में हो सकता है स्टॉक में एक बहुत बड़ा रैली आ सकता है, जो कि यहाँ पे अगर राइट साइड का शोल्डर बना तो एक बहुत बड़ा रैली है। वैसे भी अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में अगर आप शॉर्ट टर्म का टारगेट लेना चाहते हैं, तो सीधा सीधा 1200 का टारगेट जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है। इस लेवल से लेके 1200 तक अगर आप स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक 20% का रैली आपको यहाँ पे ग्राफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 1200 का टारगेट तक आप पहला टारगेट लेके चलिए, ठीक है। उसके बाद में जब सेकंड टारगेट की अगर हम बात करेंगे, तो सेकंड टारगेट यहाँ पे जरूर देख लीजिए। मुझे लगता है स्टॉक में और एक बहुत बड़ा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सेकंड टारगेट की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड टारगेट आप लाइफ टाइम हाई तक भी लेके चल सकते हैं। मुझे लगता है एक स्टॉक में बहुत बड़ा रैली आ सकता है, तो एक बहुत बड़ा आप लाइफ टाइम हाई तक भी सेकंड टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर आप सेकंड टारगेट के लिए लाइफ टाइम हाई के लिए लेके चलते हैं, हो सकता है आपको 1 साल तक होल्ड करना पड़ जाए। लेकिन आपको किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी स्टॉक में, मेरा ये थंब रूल है, किसी भी स्टॉक में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो का 3% से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। कोई एक ही स्टॉक के अंदर बड़ा एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज़ मैं यहाँ पे बारीकी से समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे फ्रीली सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे प्लेलिस्ट में यहाँ पे विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ये सारे प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। यहाँ पे देख के काफी सारी चीजें आप सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया हुआ, बेसिक बिगिनर स्टॉक मार्केट है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, ये सारे वीडियो को देखिए। 15-20 वीडियो है, जब आप ये सारे वीडियो को देख लेंगे बहुत बारीकी से आप समझ जाएंगे, तो आपको और काफी सारे चीज में बहुत सारा हेल्प मिल सकता है, कैसे हम कौन सा लेवल पे बाइंग करते हैं, कौन सा टारगेट तक किस हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है। सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जाके जरूर आप विजिट कर सकते हैं, वो सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ में अगर हम इस चीज़ का अगर हम देखेंगे, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि सेकंड टारगेट जो है 1700 रुपये का सेकंड टारगेट है। तो अभी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड टारगेट की जब बात कर ही रहे हैं, 1700 टारगेट तक अगर आप होल्डिंग का रखना चाहते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं कि 1700 टारगेट आपको यहाँ पे जल्दी मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मिनिमम तो 1 से 1.5 साल का तो होल्डिंग पीरियड होना ही चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए 68% का गेन है। जब 1700 रुपये टारगेट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 68% का गेन भी, ये चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए। जब 68% का गेन है, 1700 रुपये का टारगेट है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल लेके चल सकते हैं। अपना टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना, अगर हम इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि स्टॉक का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे, बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म में बुलिश चार्ट पैटर्न है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे, पिछले 10 साल में 21% सीजीआर के हिसाब से रिटर्न कमा के दिया है, पिछले 5 साल में 21% सीजीआर के हिसाब से रिटर्न कमा के दिया है। एक बहुत बेहतरीन यहाँ पे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दिया है। तो इस हिसाब से एक सही टाइम होता है
जब मार्केट में करेक्शन हो इसी टाइम पे बाय करना चाहिए, ताकि आपका बहुत बड़ा वेल्थ बन सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो वीडियो के बारे में हमने, ये जो स्टॉक के बारे में हमने चर्चा किया यहाँ पे मुथूट फाइनेंस के बारे में, ये मेरा कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इसमें पोजीशन बना रहे हैं, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।